हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो भाई, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने चैनल के लिए चैनल आर्ट कैसे बना सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो गाइस, वीडियो पूरी लास्ट तक ज़रूर देखना और एक भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बात ज़रूर बता दूँ कि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी टेक रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपको सबसे पहले इन फोटोज को डाउनलोड कर लेना है। इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइस, सबसे पहले चलिए इसको शेयर करके हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ले जाते हैं। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे और पिक्सआर्ट एप्लीकेशन खुलने के बाद हम सबसे पहले ऐड फोटो पर जाएंगे और ऐड फोटो से हम फोटोज लेके आएंगे जो हमें ऐड करनी है। तो गाइस, हमें ये फोटोज चाहिए। इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इस फोटो में जाएंगे और इस फोटो में जाने के बाद ब्लेंड में जा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें हम एडजस्ट करके इसका सैचुरेशन पूरा डाउन कर देंगे। ये डाउन कर दिया। तो गाइस, और बस अब ये हो गया। तो अब इसके बाद इस फोटो को सेलेक्ट करेंगे, इस फोटो का डुप्लीकेट बनाएंगे। सबसे पहले इस फोटो का बनाएंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट हो गए। तो गाइस, इसको सबसे पहले इसकी ऑपेसिटी करनी है 50%। 50% कर दी, इसकी भी ऑपेसिटी 50%। ऐसा करने के बाद अब इन दोनों का ब्लेंड मोड से स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन कर दिया। तो इसको इतना बड़ा करके ऐसे कर देंगे और दोनों को एक एक किनारे में ले आएंगे ऐसे करके। यहाँ से थोड़ी चमक दिखेगी गाइस, इसलिए लगाया। और यहाँ पर जा करके इसको भी हम ब्लेंड कर देंगे। सॉरी, ये कहीं और गया। इसको भी हम ब्लेंड से स्क्रीन कर देंगे। इसको फुल इतना कर दिया। तो गाइस, इसमें क्लिक करेंगे हम। इसमें क्लिक किया, इसको नीचे करके इसमें क्लिक करा और इसको हम सबसे पहले रोटेट करके ऐसे लगाएंगे। रोटेट करके ये लगाया, ऐसे फिक्स कर लेना गाइस। पहले ये हो गया फिक्स। और उसके बाद इसको हम इरेज करेंगे। ये इतने साइज में इरेज करेंगे गाइस, हम देख लीजिए इतने साइज में इरेज करेंगे ये। तो ऐसे जल्दी से मैं इरेज कर लेता हूँ, ऐसे करके सिंपल सिंपल इरेज कर लेना। तो गाइस, मैंने ऐसे कर दिया। तो इसको हम ऐसे कर देंगे। तो गाइस, इसके बाद ऐसा करने के बाद हम ये कर दिया। अब इसके बाद हमको लाना है अपना नेम एम चैनल का नेम लिखना है, और जो जो आप लिखना चाहते हो वो लिख लेंगे यहाँ से। यहाँ से हम टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद चैनल का नेम, जो अपने चैनल का नेम लिख लेना है। मेरे चैनल का नेम कपिल गहतोड़ी है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे ये फ़ॉन्ट दिखते हैं, इनको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपको अच्छा लगता है। मेरे को ये लगाना है तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया, लगा दिया। और इसका अब हम कलर लगाएंगे, कलर चूज़ करेंगे। कलर में ग्रेडियंट में जा कर के यहाँ वाइट में से हम जो हमारा पसंद का है वो हम लग सकते हैं, अपने आंसर करके लग सकते हैं। यहाँ से मैं येलो कर लेता हूँ। येलो ठीक है, और यहाँ से हम येलो कर लेंगे इसको पूरा। लगा लेता हूँ, ये हो गया।
और यहाँ से ब्लैक से वाइट कर लेता हूँ, वाइट कर लिया। तो भाई यहाँ से पहले येलो कर लेता हूँ, ऐसा हो गया। तो भाई इसके बाद हम स्ट्रोक में जा करके वाइट लगाए, ब्लैक लगा देंगे, ये हो गया। तो भाई इसके बाद हम इसको कर देंगे डन। डन करने के बाद अब और जो लिखना है वो हम लिख लेंगे यहाँ से एक बार में। यहाँ से जा करके हम फिर से टेक्स्ट में जाएंगे और टेक्स्ट में जा करके हम जो लिखना चाहते हैं वो लिख लेंगे। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ सब्सक्राइब फॉर व्हाट्सएप स्टेटस वीडियोस, इसको लिख करके यहाँ पर भी को हम लगाना चाहते हैं सब्सक्राइब फॉर व्हाट्सएप स्टेटस वीडियोस, यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, ये लगा दिया। और उसके बाद हम एक और लेंगे ऊपर से, वापस प्लस वाले आइकन पे टेक्स्ट में जाएंगे और लिख लेंगे। जैसे मैं ऊपर से लिखना चाहता हूँ ऑफिशियल चैनल ऑफ, ऑफिशियल चैनल ऑफ लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगा जो मेरे को चाहिए, फॉन्ट ये सेलेक्ट कर दिया। ऐसा हो गया। तो इसके बाद हम फिर से ऐड फोटो पर जाएंगे और ऐड फोटो में जाने के बाद अपने चैनल का लोगो ले आना है। अगर गाइस आपको चैनल के लोगो बनाने के लिए भी ट्यूटोरियल बनाना चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे को कमेंट कर देना, तो मैं बना दूँगा। तो गाइस मैं चैनल का लोगो ले आ गया हूँ, यहाँ पर अपने चैनल का लोगो यहाँ पर ऐसे लगा देंगे किनारे पर। लोगो लग गया। तो गाइस अब इसके बाद हमें जो जो लिखना है आप लिख लेना। तो गाइस मैं फिर से अब चैनल का यूट्यूब नेम और इंस्टाग्राम नेम अपना डाल लेता हूँ। तो गाइस इन दोनों का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर लेना। मैंने बस छोटा करके हम यहाँ पे लगा देंगे किनारे पर, इसको छोटा कर दिया। और इसको भी इतना कर देंगे थोड़ा बड़ा, साइज आप एडजस्ट कर लेना गाइस। तो यहाँ पे जा करके हम ऐड टेक्स्ट में जाएंगे और इंस्टाग्राम का नेम लिख दूंगा अपना, इंस्टाग्राम का नेम ये है। तो यहाँ पर जाने के बाद इसको यहाँ पे ले आऊँगा, यहाँ पर आ गया गाइस। तो अब इसके बाद यूट्यूब नेम लिख लेना है अपना, यूट्यूब नेम जा करके यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन में जाएंगे और टेक्स्ट में जा करके अपना यूट्यूब चैनल का नेम लिख लेंगे कपिल गैस। तो बस ये मैंने लिख लिया है, तो बस आपको जहाँ पर सही लगे वहाँ पर रख लेना, इन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो मैंने एडजस्ट कर लिया और इसको चैनल का लोगो को अपने यहाँ पर लगा लेंगे बीच। तो गाइस ये बन चुका है, तो अब इसको हम वो कर लेंगे, सेव कर लेंगे इस फोटो को। सेव करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे जाना है, ड्रॉ टूल पर जाएंगे और ड्रॉ टूल में जाने के बाद यहाँ पे से पेंसिल वाली आइकन को ले लेंगे। पेंसिल को लेने के बाद इसका साइज थोड़ा डाउन करना है और सेट कर लेंगे। तो साइज डाउन करने के बाद ये यहाँ पर से एक दो ऐसे करके लगा देंगे, इससे ये होगा कि हमारी फ़ोटो की क्वालिटी लॉस नहीं होगी। तो वैसे सेव करने के लिए यहाँ पे ऊपर पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और थ्री डॉट पे जाने के बाद सेव इमेज,
तो गाइस ये फोटो सेव हो चुकी है, अब इसको लगाना कैसे है वो बता। तो गाइस अब वो फोटो को आपको अपने चैनल आर्ट में लगाने के लिए आपको करना क्या है मैं बताऊंगा। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद ऊपर सर्च पर जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद www.youtube.com, पिछली वीडियो में भी यही बताया था मैंने। तो भाई यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर से अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है, सिंपली यहाँ पर जा कर के आईडी लॉगिन कर लेनी है। तो आईडी लॉगिन करने के बाद ऊपर थ्री डॉट पे जा कर के डेस्कटॉप साइट पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद ये चैनल का लोगो दिखेगा ऊपर पे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से हम भाई यहाँ पर जाने के बाद आपको यूअर चैनल पर चले जाना है। और यूअर चैनल पर जाने के बाद अब जाएंगे हम कस्टमाइज चैनल पर। तो अब मैंने ये फ़ोटो पहले से लगाई हुई है, अब आपको लगाने के लिए मैं बताऊंगा क्या करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाने के बाद पेंसिल का आइकन दिखेगा छोटा सा, पेंसिल के आइकन पर क्लिक करने के बाद एडिट चैनल आर्ट एडिट करेंगे। तो भाई यहाँ पर बोलेगा सेलेक्ट अ फोटो फ्रॉम अ कंप्यूटर, सेलेक्ट कर लेनी है फ़ोटो। तो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, मैं लेके आता हूँ फोटो जल्दी से। तो भाई जी मैं फ़ोटो ला गया। तो अब यहाँ पर से जाने के बाद आपको सिंपली इसको करना क्या है, सेलेक्ट करके आएगा यहाँ पर, सेलेक्ट कर लेना है इसको। तो भाई जी सेविंग बोलेगा सेव, तो भाई जी अब लग चुका है यहाँ पर। तो भाई ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, इससे ये होगा कि आप मेरी आने वाली सभी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। और भाई वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।